अरे ये आ रहे हैं। अरे पागल है क्या? पागल पागल गाड़ी कहाँ लेके जा रही है? पागल पागल गाड़ी कहाँ ले गई? अरे एक मिनट, अरे अरे क्या कर रही है? क्या हुआ है? क्या क्यों खोल रही डिग्गी? गुंगी है? गुंगी क्या? अंदर क्या? बैग बैग बोतल? सर 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 ये पागल बेकारन हमारी कार चुरा कर भाग रही थी। आप आज ही चेक कर सकते हो। मुझे लगा ही था ये लड़की चोर है। हाँ। दे चाबी। डिग्गी में कुछ है? हाँ भाई, क्या है डिग्गी में? अरे सर डिग्गी में कुछ भी नहीं है। अरे डिग्गी खुलवाओ मैं कह रहा हूँ। अरे हाँ भाई, क्या दिक्कत है डिग्गी खुलवाने में? सर हम बहुत लेट हो रहे हैं, आप समझिए ना मेरी बात, जल्दी डिग्गी खुलवा लें। अरे जब कुछ गड़बड़ नहीं है तो तुम दोनों बात क्यों रहे हो? अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरे भैया कौन है? मिनिस्टर है यहाँ के। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे तुझे सस्पेंड कराने में। अबे ओ पुलिस वाले, तू अभी हमें जाने दे, चल अब हट यहाँ से। अरे तुम्हारे भैया जो भी हो, चलो बाहर निकलो। अरे ये क्या कर रहे हो? निकलो चलो। अरे डिग्गी खुलवा चल। अरे कहाँ लेके जा रहे? डिग्गी खुलवा मैं कह रहा हूँ, डिग्गी खुलवा। सर डिग्गी में कुछ भी नहीं है। डिग्गी खुलवा। अरे सर अब क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ डिग्गी खुलवा, जल्दी खोल। तो रुक डिग्गी, तेरी नौकरी गई। अभी अपने भैया को कॉल करता हूँ। हाँ भैया, मैं ये घर के पास वाले चौक पे हूँ और यहाँ पे ये पुलिस वाला हमें परेशान कर रहा है, मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की। आप बात करो इससे, अब पता लगेगा तुझे। बात कर। हाँ जी कौन? सर किसी ने इनके खिलाफ कंप्लेन करी है, इसलिए हमें इनकी कार की डिक्की चेक करनी पड़ेगी। डिक्की कौन सी? चल दूर है, हम पे चढ़ क्या रहा है? हाँ? आपने पुलिस वाले को हाथ कैसे लगा दिया? ये क्या कर रहा है? अब पता लगेगा, बड़े भैया है मेरे, मिनिस्टर यहाँ के। अरे सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये लोग डिग्गी नहीं खोल रहे। एक पुलिस वाला ओके लड़की से बदतमीजी करता, उसका हाथ पकड़ता है? किसने परमिशन दिया तेरे को? अब तू लंबा जेल में जाएगा और तेरी वर्दी भी उतरेगी। सर मेरी बात तो सुनिए आप। चुप, बिल्कुल चुप है। अंकल मुझे मम्मी पापा के पास जाना। ये क्या, ये बच्ची किसकी है? ये उठा के लेके जा रहे थे दोनों? एक बच्ची को उसके माँ बाप से उठा के तुम किडनैप कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इतनी गिरी हरकत क्यों की तूने? भैया डॉक्टर ने बोला कि अब ये कभी माँ नहीं बन पाएगी, इसीलिए हमने इस बच्चे को चोरी किया। अरे और भी तो कितने तरीके थे। अरे किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेते, कितने बच्चों को माँ बाप की जरूरत है, लेकिन तुम यही तरीका मिला था? इस बच्चे के माँ बाप के बारे में सोचा? उन बेचारों की जान निकली पड़ी होगी, उन पे क्या बीतरी होगी। हम बच्चे के मुंह में इतने अंधे हो गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। इंस्पेक्टर साहब आई एम वेरी सॉरी, बिना जाने बिना समझे हमने आप पे शक किया। आप प्लीज इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाइए। भैया मैं जेल नहीं जाना। भैया हमें माफ कर दीजिए भैया। और जल्दी से जल्दी इस बच्ची को उनके माँ बाप से मिलवाइए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच बच्ची की जान बचाने के लिए। और आपने बड़ी अच्छी सीख दी कि कभी भी किसी को उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। थैंक यू, आपने हमारी बहुत हेल्प करी। चलिए भैया, भैया चलिए, तुम्हें अपने कर्मों की सजा तो मिलेगी भैया। चलिए चलिए।